देखिए कील से एक छोटा सा छेद कर रहे हैं बस, देखिए इसमें भी करके दिखाओ, बस ये इतना सा छेद करना है बस। और ये इस तरह से जो है देखिए हमने पेड़ों के बीच साथ में मटके लगा दिए और इसमें पानी भर दिया ये पेड़ के साथ में, देखिए ये पूरा पेड़ देखिए आप, और ये पेड़ के साथ में ये मटका लगा करके और देखिए इसमें पानी भर दिया पूरा हमने। अब ये पानी लगभग 7 दिन में खत्म होगा, 7 डेज में। ये देखिए सब में मटके लगा दिए, एक देखिए मरी ट्री एम्बुलेंस और इसके अंदर देखिए अभी हम लोग मटके लेके आए, ये 20 रुपए में एक मटका खरीद करके ला रहे हैं मटके वालों से, और पुराने मटके हैं ये देखिए सब में पानी भर दिया। अब ये पानी 7 दिन में खत्म होगा। अगर आप ये छेद करते हैं और छेद करने में अगर पानी तेजी से खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपने छेद बड़ा कर दिया, तो उसके अंदर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए मटके के अंदर, उससे क्या होगा वो पानी स्लो हो जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई थी ये विधि, और बहुत बढ़िया विधि है पेड़ों को बचाने के लिए। ये देखिए हमेशा की तरह मेरी ट्री एम्बुलेंस, और पेड़ के साथ में जगह बनाइए, ये देखिए लगा रहे हैं हम, ये भी विद्याधर नगर सेक्टर 5 में लगा रहे हैं हम लोग ये सब मटके। अब देखिए ये बगल में मिट्टी खोद ली, ये खड्डा खोद करके बस सिंपल सा, और अगर संभव हो तो मटका रखने से पहले 1 किलो खाद नीचे रख दीजिए, खाद नीचे बिछा करके मटका रखिए। उसके फायदा ये होगा कि जो पानी जो खाद जड़ में जाएगा वो खाद युक्त पानी जड़ में जाएगा, मतलब मिनरल्स एंड वाटर एंड मिनरल्स दोनों साथ साथ जाएंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भाई देखिए पेड़ कितनी तेजी से बढ़ेगा। बस ये सिंपल सा तरीका है, बस ये पेड़ को पेड़ के साथ में गाड़ दीजिए, अंदर इसलिए गाड़ देते हैं कि भाई जैसे इसको कोई तोड़े नहीं। देखिए ये टूटा हुआ मटका भी था।